बेटा पापा जा रहे हैं, बाय कर दो। सोफे पे ये भिखारी कौन लेटा है? इसीलिए तो मैं क्रिसमस की छुट्टियों में यहाँ आता हूँ, जब आप घर पे नहीं होते। लड़ो मत डियर, बेचारा परदेश में पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई या हमारा करती, नाम क्या है उसका? कैंडिस। एक एहसान करोगे, घर फूंक मत डालना मंडे तक। अच्छा तो मंडे तक जा रहे हैं, चलो ठीक है, तब तक तो मैं इस घर को दो बार फूंक डालूंगा। वैसे जा कहाँ रहे हैं आप लोग? तुम्हारे पापा बहामास ले जा रहे हैं, छोटा सा वेकेशन है। हमें रास्ते में दो मिनट रुकना पड़ेगा। पेंटागन में है ना, कमाल की कला है इनमें, तुम्हें फौजी कैंटीन का खाना खिलाने को पटाई लेते हैं। कहते हैं जबान चलाना भी एक कला है, अगर ये सच है तो तुम एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनोगे। मैं सामान लेकर आता हूँ। उन्हें भी तुम्हारी कमी खलती है, और सच कहूं तो तुम्हें भी हमारी कमी सताएगी, क्योंकि ये वो आखिरी लम्हा है जिसमें हम सब साथ हैं। तुम जानते हो इसके बाद क्या होगा, मन में जो है बोल दो, नहीं बोलोगे तो पछताओगे। आई लव यू डैड, और मैं जानता हूं कि आप जो कर सकते थे आपने किया। काश ऐसा ही हुआ होता। इसको कहते हैं दोहरी संभावना, पुनर्गमन या रीति, या इसके लिए तो कोई नया ही शब्द सोचना पड़ेगा। मतलब सबसे महंगा तरीका है इंसान की दर्द भरी यादों को दिल से मिटाने का, और यह सच्चाई तो कभी बदल नहीं सकती कि वो एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाए। और मैंने अपने दर्द से निपटने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी। और हाँ, मेरे 61 करोड़ डॉलर भी खर्च हो गए मेरी मन की शांति के छोटे से प्रयोग के लिए। कोई भी समझदार इंसान इसमें पैसा नहीं लगाता। अरे हाँ, अपना MIT मिशन का स्लोगन क्या है? ज्ञान का जनन, प्रसारण और परीक्षण करना, और सबके साथ मिलकर इस ज्ञान से दुनिया की हर बड़ी चुनौती का सामना करना। सबके साथ यानी तुम सबके साथ। और तुम्हें कोई बताए ना बताए, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियां आज तुम सबके सामने हैं, और फिर तुम सब कंगाल हो, या यूं कहूं कि तुम सब कंगाल थे। अभी इसी वक्त से यहां बैठे हर स्टूडेंट को सितंबर फाउंडेशन ग्रांट की ओर से पूरी स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी कि आप सबके प्रोजेक्ट मंजूर है और उनके बजट भी। कोई शर्त नहीं, कोई टैक्स नहीं, बस आप सब एक नया कल बनाओ अभी से। चक दो भट्टे।